अगर आपकी परमानेंटली ऑयली ग्रीसी एंड काफी डल लुकिंग स्किन है एंड ऊपर से आपके फेस पे एक्ने या फिर ब्लैक हेड्स काफी फ्रीक्वेंटली निकलते हैं तो मेरे सेयन वॉरियर्स आज की वीडियो में हम ऑयली स्किन रिमूवल के कंप्लीट सॉल्यूशन उसके मोस्ट इफेक्टिव प्रूवन टिप्स की बात करेंगे ताकि आपका फेस परमानेंटली ग्लोइंग एंड आपकी ये प्रॉब्लम जड़ से खत्म हो जाए। प्लस वीडियो के बिल्कुल एंड की स्पेशल बोनस टिप में वो एवरीडे रूटीन मिस्टेक्स जो आप आज ही करेक्ट कर लेना, नहीं तो आपके फेस पे 10 गुना तक ऑयल बढ़ सकता है, एक्ने वर्स्ट हो सकते हैं, उसकी भी बात करेंगे, तो पूरी वीडियो पक्का से एंड तक देखना। पॉइंट फर्स्ट, सम स्पेसिफिक टारगेटेड इंग्रेडिएंट्स फॉर योर स्किन। तो स्पेसिफिकली ऑयली स्किन वाले बंदों के लिए, कभी भी आप स्किन केयर यूज करोगे तो ये हमेशा ध्यान रखना कि आपके स्किन केयर में जो भी प्रोडक्ट्स आप यूज करोगे वो फर्स्टली आपकी स्किन से ऑयल प्रोडक्शन को रोकने चाहिए, सेकेंडली आपके फेस से एग्जिस्टिंग ऑयल को हटाने चाहिए एंड थर्डली स्किन से ऑयल्स को एब्जॉर्ब कर लेने चाहिए। तो ये सब चीजें ध्यान रखते हुए स्किन केयर का फर्स्ट स्टेप फेस वॉश की बात कर लेते हैं। फेस वॉश आपकी स्किन केयर रूटीन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, इसको तो आपको दिन में दो बार यूज करना ही पड़ेगा। फेस वॉश आप सुबह नहाते टाइम तो करते ही हो, बट रात को सोने से पहले भी फेस वॉश करना बिल्कुल मत भूलना। जहाँ तक फेस वॉश के करेक्ट इंग्रेडिएंट्स की बात करें तो आपके फेस वॉश में सैलिसिलिक एसिड, नायासिनामाइड या फिर ग्रीन टी होने चाहिए। ये स्किन से ऑयल को डिक्रीज करने में हेल्प करते हैं, ये स्किन के क्लॉग्ड पोर्स को भी एक्सफोलिएट करते हैं एंड आपके फर्दर एक्ने को भी प्रिवेंट करते हैं। स्किन केयर के सेकेंड स्टेप सीरम्स की बात करें, सीरम्स बेसिकली आपके लिए इतने इंपॉर्टेंट इसलिए हैं क्योंकि इनके अंदर हाई कंसंट्रेशन एक्टिव इंग्रेडिएंट्स होते हैं जो काफी जल्दी विजिबल रिजल्ट्स दे देते हैं। अब स्पेसिफिकली ऑयली स्किन टाइप वाले बंदों के लिए सैलिसिलिक एसिड या फिर विटामिन सी सीरम्स सबसे ज्यादा बेनिफिशियल रहेंगे, लेकिन ऑयली स्किन में भी अगर आपके एक्ने बहुत फ्रीक्वेंटली निकलते हैं तो आप सैलिसिलिक एसिड, एजेलिक एसिड या फिर रेटिनॉल बेस्ड सीरम यूज कर लेना। थर्ड स्टेप मॉइस्चराइजेशन की बात करें तो स्पेसिफिकली ऑयली स्किन टाइप वाले बंदों को ये एक काफी भारी मिसकंसेप्शन होता है, उनको लगता है ऑयली स्किन पे मॉइस्चराइजेशन की कोई नीड ही नहीं है, लेकिन आपका ये माइंडसेट बिल्कुल गलत है। मॉइस्चराइजर तो आपके फेस से ऑयल प्रोडक्शन को रेगुलेट करता है, आपकी स्किन को प्रोटेक्टेड रखता है, स्किन पे एक्ने नहीं होने देता एंड फेस से एजिंग के साइंस को भी कम करता है। तो इसलिए डेली बेसिस पे मॉइस्चराइजर यूज करो जो कि ऑब्वियसली आपके फेस को चिपचिपा न करें, जिसके लिए आप जेल बेस्ड मॉइस्चराइजर यूज करना एंड उसमें सैलिसिलिक एसिड, हाइलुरोनिक एसिड एंड रेटिनॉल जैसे इंग्रेडिएंट्स होने चाहिए। फोर्थ एंड वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट स्किन केयर स्टेप, सनस्क्रीन यूज करना कभी मत भूलना, जेल बेस्ड या फिर मैट बेस्ड सनस्क्रीन स्किन को डेली बेसिस पे सन से प्रोटेक्टेड रखेगी, इसलिए ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है आपके लिए। पॉइंट सेकंड, मोस्ट यूजफुल होम रेमेडीज फॉर ऑयली स्किन। सारे के सारे हार्मफुल होम रेमेडीज को हटाते हुए ऑयली स्किन टाइप वाले बंदों के लिए सबसे ज्यादा काम की होम रेमेडीज की बात करते हैं तो आप 3-3 दिन के गैप में मुल्तानी मिट्टी या फिर बेसन यूज करना अपने फेस पे, सिंपली पानी के साथ इनका पेस्ट बना लेना और इनको अपने फेस पे यूनिफॉर्मली अप्लाई करना। थोड़ी देर इनको अपने फेस पे रखना जब तक ये आपके फेस पे सूख ना जाए एंड फिर सूखने के बाद पानी से इनको हटा लेना। इन दोनों को आप अल्टरनेटिवली भी अपने फेस पे यूज कर सकते हो, जैसे कि फर्स्ट डे आपने अपने फेस पे मुल्तानी मिट्टी यूज कर ली, फिर थर्ड डे आप बेसन यूज कर लो एंड फिर 3 दिन बाद वापस से मुल्तानी मिट्टी यूज कर लेना ताकि आपको एक सेफर, बेटर एंड बैलेंस्ड रिजल्ट्स मिल पाए। साथ ही साथ एक और मोस्ट इंपॉर्टेंट होम रेमेडी, आप डेली बेसिस पे एलोवेरा जेल से अपने फेस पे यूनिफॉर्मली मसाज जरूर से करना, ये भी आपके फेस से ऑयल प्रोडक्शन को रोकने में आपकी काफी ज्यादा हेल्प करेगा। ध्यान रखना इसको तो आप डेली बेसिस पे करना ताकि आपको फास्टर, बेटर रिजल्ट्स मिल पाए। पॉइंट थर्ड, ब्लॉटिंग पेपर या फिर फेस वाइप्स। याद रखना आज के बाद हमेशा अपने बैग में ब्लॉटिंग पेपर या फिर फेस वाइप्स जरूर से रखना। कभी भी आप घर से बाहर हो एंड आपके पास ना तो प्रॉपर स्पेस या फिर टाइम है स्किन केयर करने के लिए, बट आपके फेस पे ऑयल एक्यूमुलेशन काफी ज्यादा हो गया है, फेस काफी ज्यादा शाइनी, ग्रीसी एंड इरिटेटिंग हो गया है जिससे आपका एक्सपीरियंस पूरा खराब हो गया है, तो उस टाइम पे फेस वाइप्स अपने बैग से निकाल के उसे यूनिफॉर्मली अपने फेस पे यूज करना, ये आपके फेस से एक्सेस ऑयल को रिमूव करेगा, आपकी स्किन को हाइड्रेटेड रखेगा। बट ये ध्यान रखना कि कोई भी फेस वाइप्स आप यूज करोगे तो उसके इंग्रेडिएंट्स अच्छे होने चाहिए, उसमें टी ट्री, लेवेंडर एक्सेट्रा होने चाहिए। फेस वाइप्स यूज करने के अलावा जब भी बाहर हो अपने फेस पे वाटर स्प्लैशेस भी मार लो बीच बीच में, ये ऑब्वियसली आपके रेगुलर स्किन केयर रूटीन का रिप्लेसमेंट नहीं है बट ये इमरजेंसी में काफी ज्यादा काम आता है। पॉइंट फोर्थ, अवॉइड डायरेक्ट डर्ट कॉन्टेक्ट। मेनली ऑयली स्किन वाले बंदों की कंसिस्टेंट बेसिस पे फेस के ऊपर डलनेस या फिर एक्ने होने के पीछे एक काफी ज्यादा मेन एंड इग्नोर
कोड रीजन ये है कि आपके जो पिलो कवर्स हैं जिसमें इनविजिबल डर्ट पार्टिकल्स हैं एंड काफी डेली बेसिस पे उनमें गंदगी भी लगती है, वो डेली बेसिस पे आपके फेस के कॉन्टेक्ट में आता है। और हाँ, ये चीज मैं अच्छे से समझता हूँ और मैं खुद भी डेली बेसिस पे पिलो कवर्स रिप्लेस नहीं करता हूँ, धोता भी नहीं हूँ। प्रैक्टिकल बात यह है कि पिलो कवर्स को रोज धोना बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं हो पाता है। तो इसका सिंपल सोल्यूशन ये है कि आप अपने पिलो के ऊपर एक क्लीन क्लॉथ रख लो एंड फिर उस क्लीन क्लॉथ के ऊपर सर रख के सोना। रोटेशन में 2 से 3 क्लीन क्लॉथ्स रख सकते हो आप डेली बेसिस पे यूज करने के हिसाब से, या फिर कोई भी एक बड़ा क्लॉथ ले लो, उसके डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स को पिलो के ऊपर यूज करके आप अपनी स्किन को गंदगी से प्रोटेक्ट कर लोगे, क्लेनलीनेस मेंटेन रहेगी एंड आप अपनी स्किन को अच्छे से प्रोटेक्ट कर लोगे। इस मेथड से आपके फेस पे बिल्कुल डर्ट नहीं चिपकेगी एंड आपकी एक्ने, ग्रीसीनेस एंड डलनेस की प्रॉब्लम काफी इजीली, काफी क्विकली सॉल्व हो जाएगी। इसके साथ ही साथ कभी भी आप घर के बाहर हो या फिर आप अनकॉन्शियसली कहीं पे भी हाथ लगाओ तो उन गंदे हाथों से अपने फेस को टच करने की हैबिट हटाओ। जब आपके हाथ क्लीन हो तभी अपने फेस को टच करना, साथ ही साथ अपने फोन को भी साफ करते रहो, वो भी फोन पे बात करते टाइम आपके फेस के कॉन्टेक्ट में आता है, फेस को गंदा एंड डर्टी करता है, डलनेस एक्ने की प्रॉब्लम को इंक्रीज कर सकता है, इसलिए ये हैबिट भी इम्प्रूव करो। पॉइंट फिफ्थ, असेंशियल विटामिंस एंड मिनरल्स टू डिक्रीज ऑयली स्किन। जो भी चीजें आप डेली बेसिस पे खाते हो ट्रस्ट में उसका डायरेक्ट इम्पैक्ट आपकी स्किन पे पड़ता है एंड खास करके अगर आपकी ऑयली स्किन है तो खराब चीजें खाने की वजह से फेस पे डेफिनेटली ऑयल बढ़ेगा, ग्रीसीनेस, एक्ने, पिंपल्स एंड डलनेस काफी हद तक इंक्रीज हो जाएगी। तो अब मैं आपको कुछ स्पेसिफिक फूड्स बता रहा हूँ, ये फूड्स डेली बेसिस पे अपनी डाइट में इंक्लूड करना। तो फर्स्टली विटामिन ए एंड मिनरल रिच फूड्स की बात करें, उसके लिए आप स्वीट पोटैटो, कैरेट्स, ऑरेंज, स्पिनच, पपीता या फिर पम्पकिंस कंज्यूम कर सकते हो। विटामिन ई एंड जिंक रिच फूड्स की बात करें, इनके लिए आप डेली बेसिस पे बादाम, पीनट्स, एग्स या फिर बीन्स खा सकते हैं एंड किसी भी हालत में फ्राइड फूड्स, ज्यादा शुगर, ज्यादा सॉल्ट एंड मैदे वाले फूड्स कम से कम खाओ, घर का हेल्दी खाना प्रेफर करो। फाइनली वीडियो की बोनस टिप में बिगेस्ट ऑयली स्किन मिस्टेक्स की बात करें जो आपके फेस को काफी ज्यादा ऑयली कर सकती है। फर्स्ट, डेली बेसिस पे 2 बार से ज्यादा फेस वॉश मत यूज करना, फेस वॉश को ओवरडू करोगे तो वो आपकी स्किन के लिए हार्मफुल हो सकता है। साथ ही साथ वीक में 3 से 4 बार जरूर से अच्छे से अपने बालों को धोना, क्योंकि बालों में जमी हुई डर्ट आपके फेस पे आएगी तो आपके फेस को और भी ज्यादा रुइन करेगी, इसलिए फ्रीक्वेंटली हेड को वॉश करना। सेकंड, रैंडम लो क्वालिटी प्रोडक्ट्स यूज करना बंद करो, अपनी स्किन टाइप के हिसाब से ही बिल्कुल स्पेसिफाइड प्रोडक्ट्स यूज करो जिनमें वही इंग्रेडिएंट्स होने चाहिए जो मैंने आपको फर्स्ट पॉइंट में बताए थे, ताकि आपका फेस काफी जल्दी बेटर हो सके। थर्ड, कभी भी नाइट टाइम रूटीन स्किप मत करना। ऑयली स्किन टाइप वाले बंदों के लिए नाइट टाइम रूटीन भी डे टाइम रूटीन जितना ही इम्पोर्टेंट है, तो नाइट टाइम में भी फेस वॉश, मॉइस्चराइजर एंड सीरम लगाना बिल्कुल मत भूलना। अगर आपको लड़कों के टॉप 4 बेस्ट फेशियल फीचर्स जानने हैं एंड उनको लुक मैक्स करने के लिए स्क्रीन पे बने हुए बॉक्स की वीडियो पे अभी क्लिक करो।